करते हैं फिर हम रोल नंबर 16 को। यहाँ पे हम देखेंगे रूल नंबर 16 किससे रिलेटेड है। तो जैसे आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा कंपाउंड नाउन, यहाँ पे जो हम रूल पढ़ने वाले हैं वो किससे रिलेटेड है, कंपाउंड नाउन से। यहाँ पे अब पहले इसे पहले समझेंगे कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। तो जैसे कि डेफिनेशन में आपको गिवन है, पर एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर बाकी बेसिक भी हम अच्छे से समझेंगे। तो कंपाउंड नाउन इज अ टाइप ऑफ अ नाउन विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। इन ऑर्डर टू मेक कंपाउंड नाउन प्लूरल वी हैव टू एड एस ई एस आई ई एस टू द रूट वर्ड। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि ये इस टाइप का नाउन होता है जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से क्या है मिलकर बना होता है, ठीक है, कंपाउंड नाउन। और जब आप इसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जब आप क्या करेंगे इसको प्लूरल में चेंज करेंगे, तो इसके साथ हमें वर्ड यूज करना होता है एस ई एस आई ई एस, इस तरीके के वर्ड को क्या है हम यूज करके किस में रूट वर्ड जो होगा इस कंपाउंड नाउन में, दो या दो से तीन वर्ड मिलके बने होंगे उसमें से कोई एक रूट वर्ड होगा, उसी रूट वर्ड के अंदर हम क्या है एस ई एस आई ई एस अटैच करके उसे क्या है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, ठीक है। ये तो थी डेफिनेशन की भाषा, एक बार नॉर्मल में देखते हैं। जैसे कंपाउंड नाउन होता है क्या, जैसे आपने फॉर एग्जांपल बहुत बार देखा है, बहुत बार सुना है, जब आपने नाउन पढ़ा होगा उसमें हमने देखा है एक हमें गिवन होता है जैसे सिस्टर इन लॉ, या फिर इसी में मैं अगर कहूँ यहीं पे हमें गिवन है फादर इन लॉ, तो हम जानते हैं ये क्या है नाउन तो है, लेकिन ये किस तरीके का नाउन है, कंपाउंड नाउन हम इन्हें ही कहते हैं क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी एक दो तीन, ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ क्या है एक नाउन है, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स को ही हम क्या बोलते हैं कंपाउंड नाउन बोलते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के कंपाइलेशन से बना हुआ होता है, ठीक है। ये थी पहली बात कि कंपाउंड नाउन होता है क्या है। अब सेकंड चीज क्या है कि जब हम इसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, तो जैसे यहाँ बताया गया है एस ई एस या आई ई एस हम किसके साथ अटैच करते हैं रूट वर्ड के साथ, तो जो प्रॉब्लम आती है ना वो यहीं पे ही आती है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या तो उनका कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं होता कि वो यहाँ पे अगर हमें अब चेंज करना है तो आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि रूट वर्ड क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिस्टर भी है, अब इतना तो हर किसी को पता है कि इनके साथ एस या एस नहीं अटैच किया जाएगा, तो जो कंफ्यूजन है वो सिस्टर और लॉ इन दोनों में ही है कि सिस्टर के साथ एस लगाया जाता है या लॉ के साथ। वैसे तो पता होगा लेकिन जब एग्जाम में आते हैं शायद प्रेशर की वजह से या किसी भी वजह से हम क्या है वहाँ पे चीज़ों को सही से देख नहीं पाते या देख के अनदेखा कर जाते हैं जिसकी वजह से एरर होता है। तो यहाँ पे क्या है अब आपको पहले पहचानना है कि रूट वर्ड कौन सा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे रूट वर्ड क्या है सिस्टर, मेन वर्ड यहाँ पे क्या है सिस्टर है, तो यही हमारा क्या है रूट वर्ड है। तो जब आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे तो आप एस किसके साथ अटैच करेंगे सिस्टर के साथ ना कि लॉ के साथ। कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर सिस्टर के साथ ना लगा के लॉ के साथ लगा देते हैं, तो ये जो कंफ्यूजन था ये यही था। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से यहाँ पे क्लैरिफाई हुई होगी, ठीक है। जैसे अगर और कुछ एग्जांपल हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है पहला वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा है यहाँ पे हमें क्या गिवन है सिस्टर इन लॉ। अब जब इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सिस्टर्स, क्योंकि रूट वर्ड यहाँ पे क्या है सिस्टर, तो इसी के साथ क्या है आप अटैच करेंगे, या फिर आप इसे रूट वर्ड कह सकते हैं या फिर इसे ही क्या बोल सकते हैं मेन वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमें क्या करना होता है अटैच करना होता है एस या ई एस को। तो और ये लॉ ये तो सिर्फ एक रिलेशन बताने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, बट बेसिकली जो हमारा मेन वर्ड है वो सिस्टर है ना कि लॉ, तो याद रखना है कि लॉ के साथ हम एस नहीं लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे ना एक टाइप का क्वेश्चन और भी बनता है क्या, जैसे यहाँ पे हमें ये गिवन था, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर गिवन है सिस्टर इन लॉ, तो ये ना दो तरीके से इसको लिखा जाएगा और दोनों ठीक होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इसे लिख देती हूँ सिस्टर्स इन लॉ, या फिर इसे कई बार आपने देखा होगा ये इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ दिखेगा सिस्टर इन लॉज, कई बार आपको ये इस तरीके से भी लिखा हुआ दिखेगा। अब यहीं पे ना बच्चों को कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। अब देखेंगे इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे जो आपने एस अटैच किया है ना ये इस नाउन को सिंगुलर से किस में चेंज कर रहा है प्लूरल में चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे आप जो इस वर्ड को सिंगुलर से किस में चेंज कर पा रहे हैं प्लूरल में, जबकि इस वाले केस में क्या है इस वाले केस में क्या है ये जो आपने अपोस्ट्रॉफी लगाया इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी एस,
एक कॉमा है ऊपर और एक नीचे मतलब एस लगाया गया, इसे हम बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी एस। इसका जो यूज़ होता है ज़्यादातर जो हम इसका यूज़ करते हैं पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ दोनों में बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये वाला एस हमें हेल्प करता है सिंगुलर से प्लुरल में चीज़ों को कन्वर्ट करने में, जबकि ये वाला एस क्या है पोजीशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि हम दोनों ही रूल्स को दोनों ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे, पर सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे कि सिंगुलर से अगर हमें प्लुरल में चीज़ों को चेंज करना है तो हमें किस तरीके से एस लगाया जाता है। कई बार आप देखेंगे यहाँ लग रहा है, कई बार अभी आगे और भी हमें कंपाउंड नाउन मिलेंगे जहाँ पे आप देखेंगे चीज़ें चेंज आपको नजर आएंगी, कुछ उसमें डिफरेंस होगा। तो उन्हें पहले क्लैरिफाई करते, इसको क्लियर करने के बाद फिर हम आएंगे अपोस्ट्रॉफी वाले रूल पे कि अपोस्ट्रॉफी कब कहाँ और कैसे लगाई जाती है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो मूव करते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू, हम देखेंगे कि सिंगुलर से जब प्लुरल पे चेंज किया जाता है तो कहाँ पे चेंज किया जाता है, एस कहाँ लगाया जाता है, कुछ एग्जांपल के थ्रू इस बात को देखते हैं। अब जैसे ये कुछ एग्जांपल आपको गिवन है यहाँ पे, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको गिवन है ब्रदर इन लॉ, तो अब जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, क्योंकि रूट वर्ड यहाँ पे क्या है ब्रदर, तो यहाँ पे हो गया ब्रदर्स। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे कमांडर इन चीफ है तो ये क्या हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ, रूट वर्ड यहाँ पे भी क्या है कमांडर, तो उसके साथ हमने क्या लगा दिया एस, यहाँ पर भी एस हमने इसके साथ लगाया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे गिवन है बेडरूम, अब जब इसमें हमें रूट पहचानना है तो ऐसा नहीं है कि बेड हमारा रूट वर्ड है, नहीं, यहाँ पे जो रूम है ना ये हमारा क्या है मेन वर्ड है, या कह सकते हैं रूट वर्ड है, तो जो रूम है उसमें चेंजेस आएगा यानी कि उसमें आप एस लगाएंगे, तो बेड और यहाँ पे आ गया रूम्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ऐसे हमें गिवन है स्टेप डॉटर और यहाँ पे क्या गिवन है स्टेप डॉटर्स, तो यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो क्या है हमारे पास डॉटर, तो आप एस क्या है इसी में लगाएंगे, तो आप देखेंगे एस किसके साथ अटैच किया गया है डॉटर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है मेड, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये है मेड। ठीक है, तो ये क्या है मेड सर्वेंट, अब जब इसे हम चेंज करेंगे तो सिंगुलर से प्लुरल में आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मेन वर्ड क्या है सर्वेंट, तो आपको एस किसके साथ अटैच करना है सर्वेंट के साथ, तो ये हो जाएगा सर्वेंट्स। ठीक है, ऐसे पी हैन है तो इसके इसके साथ आप लगाएंगे तो यहाँ पे जो हैन वर्ड है यही क्या है हमारे पास मेन वर्ड है रूट वर्ड है, तो इसे ही आप क्या है चेंज करेंगे। ठीक है, पी के साथ कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है पीकॉक, तो इसमें भी आप जब चेंज करेंगे तो कॉक जो है उसके साथ आप एस अटैच करेंगे तो पीकॉक्स हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही मदर इन लॉ है तो आप करेंगे तो मदर मदर्स इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ है तो इसे भी हमने एग्जाम्पल के तरीके से देखा भी, तो ये हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो आई होप ये एग्जांपल कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे कि हमें क्या है जो हमारे पास रूट वर्ड है, या फिर इसे ही बोल सकते हैं हम जो आपके पास मेन वर्ड है उसे क्या करना है आपको, उसी में आप एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस लगा के हमें क्या करना है सिंगुलर से प्लुरल में हम चेंज करेंगे। ठीक है, कुछ और रूल्स हैं, कुछ और भी हैं, इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, आप देखेंगे पहला वर्ड जो हमें गिवन है मैन हिटो, नेक्स्ट हो गया मैन हिटर्स, तो यहाँ पे रूट वर्ड वाला कॉन्सेप्ट तो काम करेगा पर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी काम करेगा, क्या है उसे देखते हैं। अब आप पहले ना यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस ये जो आपको गिवन है इसे आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, आप देखेंगे स्टार्टिंग की ये जो तीन आपको गिवन है और एंड के जो तीन आपको गिवन है इसमें आप देखेंगे कि हमें जब सिंगुलर से प्लुरल में जाना था तो आप देखेंगे ये जो हमारे पास हेटर है इसमें हमने एस लगाया, लवर था तो ये लवर्स हो गया, सेम ऐसे यहाँ पे लवर था तो लवर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप नेक्स्ट वाला जो है कंपाइल ये जो तीन है इसमें आप देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्या है वो डिफरेंस आप यहाँ देखेंगे जब हमने इसे चेंज किया क्या गिवन है मैन एथलीट, तो जब आपने इसे चेंज किया तो हमने क्या है यहाँ पे देखिए एथलीट में हमने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ भी एथलीट था यहाँ भी एथलीट था, मतलब इसके साथ कोई एस नहीं लगाया गया। सेम चेंज आप देखेंगे मैन जो था यहाँ पे ए वाला था और यहाँ पे ई वाला हो गया, तो ये तो आप पहले से भी जानते हैं कि मैन और वुमेन को अगर हमें सिंगुलर से प्लुरल में चेंज करना होता है तो सिर्फ हम ए को क्या है रिप्लेस कर देते हैं ई से। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हैं सिर्फ ए को ई से इस तरीके से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और बट अब यहाँ पे दोनों में ऐसा क्यों हुआ कि पहले तीन में तो हमने क्या किया है कि जो यहाँ इसके साथ ये हमें गिवन था लवर या आप कह सकते हैं वर्ब वगैरह जो भी हमें गिवन थी उसके साथ हमने ऐसे यूज़ कर लिया, जबकि सेकंड वाले में हमने ये जो हमारे पास नाउन है मैन वुमेन हमने इनके साथ अटैच किया। क्यों? तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप मैन से मैन या वुमेन
इस तरीके से मैन या वुमेन को चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लुरल में, तो बेसिकली हम यही करते हैं कि ए को ई करके चेंज कर देते हैं, जैसा कि यहाँ 3 में किया गया है। बट ठीक है, ये बेसिकली हम यही करते हैं ज्यादातर के साथ। लेकिन इसके ऊपर वाले में हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट वर्ड वाला वही इफेक्ट आ जाएगा। मेन वर्ड यहाँ पे क्या है? हेटर। मैन या वुमेन पे यहाँ पे फोकस नहीं है, यहाँ पे फोकस किस पे? हेटर पे है, दैट्स वाई ये हेटर्स हो गया। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आप इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी समझ सकते हैं, रट भी सकते हैं ऐसे, कि जब भी मैन या वुमेन के साथ उनका प्रोफेशन गिवन होगा तो आप क्या है उनके प्रोफेशन में एस लगा के नहीं उसे चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मैन या वुमेन को ही क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। अगर ए है तो ई लगा के, और अगर आप प्लुरल से सिंगुलर में आ रहे हैं तो ई से ए कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर उनके साथ वर्ब अटैच है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हेटर, ये कोई नाउन नहीं है, ये क्या हो जाएगा? एक वर्ब है, कि उसका काम है ये, है ना, एक तरीके से वर्ब को डिनोट कर रहा है। ऐसे लवर हो गया, तो ये जो वर्ब अगर मैन या वुमेन के साथ अटैच होते हैं तो ऐसे केस में वर्ब को तो हम सिंगुलर से प्लुरल में चेंज कर पाते हैं, तो यहाँ पर क्या कर पा रहा है कि आपको हेटर को ही क्या है एस लगा के चेंज कर देना है। ठीक है, तो आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि लास्ट वाले 3 में यहाँ पे हमने प्रोफेशन की बात की थी, ठीक है, जबकि यहाँ वाले पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमने किया है यहाँ पे वर्ब पे ज्यादा फोकस है, ना कि इनके मेल या फीमेल पे नहीं, यहाँ पे इनके किस पे फोकस है? वर्ब पे, जबकि यहाँ पे जो फोकस है वो मैन या वुमेन पे है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें क्या हुई हैं, चेंज हुई हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अगर ये क्लैरिफाई हुआ ना, तो हम कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। और सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये रूल अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा कि किस तरीके से आपको सिंगुलर से प्लुरल में चेंज करने के लिए एस किसके साथ अटैच करना है, रूट वर्ड के साथ, जो आपका मेन वर्ड होगा उसके साथ आप अटैच करेंगे। जबकि मैन और वुमेन वाले में हमने थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट देखा। यहाँ पे हमने देखा अगर मैन या वुमेन के साथ उनका प्रोफेशन जुड़ा हुआ है तो उसकी उस केस में आप मैन में क्या करेंगे या वुमेन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे उसको, आप चेंज करेंगे उस वर्ड को। जबकि अगर इन्हीं मैन या वुमेन के साथ कोई वर्ब अटैच की गई हो तो आप जो चेंज करेंगे वो किस में करेंगे, वर्ब में करेंगे। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। ठीक है, तो इसी रूल्स को जो आपने यहाँ पे समझा, इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है उसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट वाला है और जो सेकंड वाला है इसे कुछ देर के लिए स्किप करेंगे, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड से है, आप एग्जाम्पल नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन है, माई डॉटर इन लॉ हु लिव्ड इन कैलकाता हैव कम टू विजिट अस एंड सेलिब्रेट दुर्गा पूजा नो एरर। तो क्वेश्चन में हमें यही कहा गया है। अब आपको करना है क्या है, पहले तो वीडियो को पॉज करके आइडेंटिफाई करना है कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे यहाँ गिवन है माई डॉटर इन लॉ, ओके। बी पार्ट में गिवन है हु लिव इन कलकत्ता, वो कहाँ रहती थी, कलकत्ता में रहती थी। हैव लिव्ड, अब यहाँ पे आप देखेंगे हैव आया, अगर हैव हम जानते हैं कैसा है, ये प्लुरल है, अगर ये प्लुरल है दैट मीन्स जो प्लुरल किसके लिए यूज किया जाता है, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो हमारा वर्ब होता है वो हमारे सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, डॉटर इन लॉ, इसका मतलब ये तो सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि वर्ब तो प्लुरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ कंट्राडिक्शन आ रही है, या तो इस पार्ट में एरर है या तो इस पार्ट में एरर है, कहीं तो एरर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया, हैव केम कम टू विजिट अस एंड सेलिब्रेट दुर्गा पूजा नो एरर, दैट मीन्स या तो सी पार्ट में एरर है या तो बी पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एरर है वो किस में है, ए पार्ट में है, क्योंकि मैंने अभी बताया डॉटर इन लॉ को आप प्लुरल में चेंज करना था, यहाँ पे हमें प्लुरल फॉर्म लिखनी थी ताकि वो वर्ब के साथ एग्री कर सके। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको डॉटर इन लॉ को चेंज करना पड़ेगा, और जब आप इसे चेंज करेंगे तो हम जानते हैं अच्छे से कि हम इसमें एस या ई एस को अटैच करके इसको प्लुरल बनाएंगे। लेकिन आपको एस या ई एस किसके साथ अटैच करना है, जो रूट वर्ड होगा, तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, डॉटर, तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे, इसके साथ आप लगाएंगे एस, तो डॉटर्स इन लॉ, ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको गिवन है माय फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम नो एरर,
क्या करना है, पहले तो वीडियो को पॉज करके दोनों क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन से पार्ट के अंदर है, देन फिर उसे हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट वाले में आप देखेंगे माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे अपोस्ट्रॉफी एस यूज किया गया है, और अपोस्ट्रॉफी एस क्या बताने का काम करता है, ये पोजीशन बताता है, ठीक है, आपका अधिकार बताने का काम करता है। आगे मूव करते हैं, हमें गिवन है डॉटर इन लॉज। ओके, अब आप देखेंगे अभी हमने पढ़ा कि जब आप सिंगुलर से प्लुरल में बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो जो चेंज आता है वो चेंज किस में आता है, जो रूट वर्ड होता है उसमें, जबकि यहाँ पे क्या कर दिया गया है, गड़बड़ कर दिया गया है, यहाँ पे लॉ के साथ एस लगा दिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप यहाँ पे एरर तो बहुत इजीली समझ पाए कि कौन सा एरर है। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए करना क्या होगा, हमें पता है कि हमें आइडेंटिफाई करना था पहले, तो हमारे बी पार्ट के अंदर एरर है। एरर क्या है कि ये जो डॉटर इन लॉ है इसमें एरर है, यहाँ पे जो एस है वो यहाँ पे ना आके यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन लंदन। तो आप देखेंगे जो एरर यहाँ पे किया गया था, सेम वही एरर यहाँ पर है। यहाँ पे भी क्या है, लॉ के साथ एस लगा दिया गया था, जबकि यहाँ पे भी सिस्टर इन लॉ है, और ऑल का मतलब हो गया जितनी भी सिस्टर इन लॉ है सबके साथ। ठीक है, सबकी शादी हो चुकी है और सब क्या हो चुकी है, सटल हो चुकी है। यही कहना चाह रहा है, किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहा। दैट मीन्स यहाँ पर भी ये जो हो जाएगा प्रूलर में आएगा। इन्होंने यहाँ प्रूलर बनाया तो है, एस लगाया तो है, लेकिन हम जानते हैं रूट वर्ड के साथ नहीं लगाया, तो यहाँ पे गड़बड़ इसमें कर दी गई है। यहाँ पे एस इसके साथ ना आके किसके साथ आएगा, सिस्टर के साथ। तो इसका राइट आंसर अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अगर एग्जाम्पल अच्छे से क्लैरिफाई हुआ तो हम आते हैं इससे पहले वाले पेज पे। आप यहाँ पर देखेंगे हमें, सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कि जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड था वहाँ पे आपने देखा आपको वर्ड गिवन था हैव्स, हैव नॉट्स, या फिर जो सेकंड इसके साथ स्लैश में गिवन था वो था हैव्स और हैव्स नॉट। ठीक है, और फर्स्ट वाले में हमें गिवन था वेयर अबाउट और वेयर अबाउट्स, ये दो हमें गिवन है। एक बार पहले इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वाले में ऐसे ही इनमें। तो शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट से। यहाँ पे आप देखेंगे जो हैव और हैव नॉट्स यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ ही है, बस डिफरेंस किस बात का है, इस वाले में आप देखेंगे हैव्स और हैव्स तो दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे नॉट के साथ एस लगा दिया गया है, जबकि इस वाले पार्ट में हैव के साथ एस लगा दिया गया है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, नेक्स्ट ये जो हमें गिवन है वेयर अबाउट और वेयर अबाउट्स, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये इसके साथ कोई एस नहीं है, जबकि यहाँ पर एस यूज़ कर दिया गया। ठीक है, तो जो डिफरेंस आप देख रहे हैं बस वो एस की वजह से क्रिएट हुआ है। आप समझते हैं कि इनमें से सही कौन सा है और इनका मीनिंग क्या बनता है। तो आप देखेंगे ये जो आपको हैव और हैव नॉट्स गिवन है ना, इस हैव का मतलब क्या है, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जिसे हम हैव यूज़ करते हैं या हैज हैव यूज़ करते हैं, ये उस तरीके का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका अपने आप में एक मीनिंग होता है। हैव्स का मतलब क्या होता है, यहाँ हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, जिनके पास रिसोर्सेज हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब है, इसका मतलब सीधा सा मतलब है, यहाँ पे उन लोगों की बात की जाती है जो क्या है, अमीर है, जिनके पास लाइफ को एंजॉय करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज होते हैं, ये उन रिसोर्सेज की बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे हैव नॉट्स का मतलब क्या हो गया कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर इनके पास रिसोर्सेज है दैट मीन्स ये क्या है, रिच है। इनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो नॉट, या फिर इसे हम बोल सकते हैं नो रिसोर्सेज है इनके पास, तो इनके पास क्या हो जाएगा, नो रिसोर्सेज, कि उनके पास लाइफ को एंजॉय करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, इवन इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो क्या अच्छे से अपना गुजारा भी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब इनका ये होता है, इसका मीनिंग इस सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एस किसके साथ यूज़ करना है। पहले वाले में हैव के साथ हमने एस यूज़ किया, क्यों, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे किस चीज़ पे है, उसी चीज़ पे जिस पे कि जिनके पास रिसोर्सेज है, दैट मीन्स हैव्स हैं जिनके पास, यहाँ पे हैव्स का मतलब रिसोर्सेज है, तो हमारा फोकस इसी चीज़ पे है, रिसोर्सेज पे ही। तो हमने इसके साथ एस लगाया तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स ये वाला वर्ड अपने आप में ठीक है।
नेक्स्ट वाला जो वर्ड इसके साथ एंड में लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा फोकस किसके ऊपर था, हैव नॉट्स, उन लोगों के ऊपर जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है। तो यहाँ फोकस हमारा हैव पे नहीं था, उन लोगों के पास है जिनके पास नहीं है, दैट मीन्स नहीं पे है यहाँ पर हमारा फोकस। दैट मीन्स कि जो एस लगेगा वो भी किसके साथ लगना चाहिए, एस नॉट के साथ ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन था या ये वाला जो पूरा था ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो नॉट लगता है ना, ये जो नॉट है इसी के साथ हम एस लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस बदल जाता है। यहाँ पे तो हमारा फोकस रिसोर्सेज पे है कि जिनके पास है, जबकि यहाँ पर हमारा नहीं पे फोकस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एस भी हम उसी के साथ लगाएंगे जो मेन वर्ड है, जो रूट वर्ड है, ठीक है। तो बस यही इनके बीच में डिफरेंस था कि यहाँ पे जो एस यूज कर दिया गया था वो हैव के साथ किया गया था, इस वाले के लिए हैव पे फोकस नहीं था, नहीं पे है, ठीक है। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि एक में हमने बोला कि जिनके पास रिसोर्सेस है जो रिच है, एक में हमने बोला जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है जो रिच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फोकस नहीं पे था इसलिए एस यहाँ पे लगाया गया, यहाँ फोकस रिसोर्सेस पर ही था तो यहाँ पर एस रिसोर्सेस के साथ लगाया गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा कि राइट जो वर्ड है इसको लिखने का ये यही फॉर्म है, इसी तरीके से इसको लिखा जाता हैव्स और हैव नॉट्स, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता हैव्स, हैव्स नॉट, ये नहीं है सही तरीका, ठीक है। तो ये गलत ही है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई अच्छे से क्लियर से। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको गिवन है वेयर अबाउट और यहाँ पे गिवन है वेयर अबाउट्स। पहली चीज़ तो ये जो वर्ड हमें गिवन है वेयर अबाउट, इस तरीके का कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। ये कोई वर्ड नहीं है और इसका कोई मीनिंग भी नहीं है, नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। जबकि ये जो वर्ड बनाया गया था ना वेयर अबाउट, वो अपने आप में एस वर्ड को साथ में लेके बनाया गया था। जब तक इसके साथ एस है, वेयर अबाउट के साथ आप एस लगा रहे हैं, तो ये कोई वर्ड भी है और इसका कोई मीनिंग भी है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हम लाइफ की एक तरीके से, जिसे हम बोलते हैं तुम्हारा अड्डा कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, तो उस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है कि आपका अड्डा कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, ये उस तरीके की लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि कहाँ आप रहते हैं, यानी कि एक तरीके से रिलेटेड है किससे, लोकेशन से। पर ये लोकेशन जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ना, ये नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप नॉर्मली किसी से नहीं पूछते कि आपका अड्डा कहाँ है, आपका ठिकाना कहाँ है, आप उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। जबकि जब हम वेयर अबाउट्स बोलते हैं तो हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर अड्डा हम ऐसी चीज़ों के लिए बोलते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होके कुछ गलत चीज़ की प्लानिंग करते हैं, गलत चीज़ को वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये इसी सेंस में यूज़ किया जाता है, लोकेशन का मतलब ठिकाना कहाँ है, जहाँ बैठ के तुम लोग ग्रुप बनाते हो या चीज़ें डिस्कस करते हो, उस तरीके उस वाले सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ वेयर अबाउट एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही बातें अच्छे से क्या हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। अगर दोनों ही चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई तो हम मूव करेंगे अपने एग्जाम्पल की तरफ, जिसे हमने छोड़ा था। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आप देखेंगे यहाँ पर हमें गिवन है ही रिफ्यूजेस टू डाइवल्ज एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हर वेयर अबाउट और वेयर अबाउट्स। तो मैंने बता दिया कि वेयर अबाउट कोई वर्ड ही नहीं होता, दैट मीन्स ये तो होना नहीं चाहिए, इसका आंसर ये हो जाएगा। पर अभी सेंटेंस का मीनिंग भी समझ सकते हैं आप, इसके इसेंस से भी चीज़ों को समझ पाएंगे। क्या है, ही रिफ्यूजेस टू डाइवल्ज एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हर वेयर अबाउट्स। रिफ्यूज़ करना मतलब उसने मना कर दिया, डाइवर्ज करने का मतलब किसी चीज़ को एक्सपोज करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं किसी चीज़ को अनवील करना, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि कोई सूचना देने से मना कर, और एक्सपोज हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है कि रहस्य उजागर करना, ठीक है, कि आपका जो सही रूप है वो बाहर ला दूंगा, इस वाले सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कर दिया, मना कर दिया क्या, ये बताने के लिए या फिर एक्सपोज करने के लिए कि उसकी वेयर अबाउट्स कहाँ है, उसका रहने का अड्डा या उसका ठिकाना कहाँ है, उस चीज़ को बताने के लिए क्या है, मना कर दिया गया। तो आप इसके सेंस से भी समझ पाएंगे कि वेयर अबाउट कोई वर्ड ही नहीं है, और मीनिंग के अकॉर्डिंग भी अभी हमने देखा कि यहाँ पे वेयर अबाउट यानी कि ठिकाना जो होता है वो वेयर अबाउट्स एस वाले के साथ होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई यहाँ पर। सेकंड वाले में आते हैं, यहाँ गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। दो क्लासेस में क्या है ये डिवाइडेड है, कौन कौन सी, पहली है हैव्स एंड हैव्स नॉट और है हैव नॉट्स। तो अभी मैंने बताया कि हम क्या यूज़ करेंगे, हैव नॉट्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस नॉट पे होता है। दो जो पॉपुलेशन है दो के क्लासेस में डिवाइड है, पहले वो लोग जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेस है, हम कह सकते हैं,
और दूसरे वो लोग जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है। हमने दो कैटेगरी में क्या है चीज़ों को, या फिर कह दे पूरी जो पॉपुलेशन है वो डिवाइड होती है। तो पहला तो यही है हैव्स, जिनके पास रिसोर्सेस हैं। दूसरा क्या होता है हैव नॉट्स, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है यानी कि जो पुअर हैं एक तरीके से, ये वो जो क्या है रिच है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हैव्स नॉट है ये नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैव नॉट्स। ठीक है, तो इसको लिखने का वे भी यही है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो अभी तक जो हमने समझा वो क्या था, हमने ये समझा कि कब हमें सिंगुलर से कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लुरल में चेंज करने के लिए हमें एस कहाँ यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है।